पीसीबी की नई सिलेक्शन कमेटी ने धमाका कर दिया है और आते ही बचे दो टेस्ट मैचेस के लिए ऐसी टीम अनाउंस की है जिसमें बड़े सारे शॉकिंग डिसीजंस हैं। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है, जो न्यूज सुबह से फ्लोट हो रही थी, और बाबर आजम तो इनफैक्ट अपने घर लाहौर के लिए ट्रेन में पकड़ चुके हैं। अरे भाई साहब, आप तो किंग थे, ये क्या हो गया आपके साथ? साथ ही साथ लंगड़े ईगल यानी शाहीन शाह अफरीदी, गरीबों के जसप्रीत बुमराह, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है, और नसीम शाह, जिन्हें पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े नाम दिए जा रहे थे कि ये तो अपनी पेस से दुनिया को हिला देगा, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। साथ ही साथ सरफराज अहमद, जो पता नहीं क्यों रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, जबरदस्ती टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। अबरार अहमद भाई तो उस वक्त की मार से हॉस्पिटल में ही है, वो भी ड्रॉप हो गए हैं। तो इवेंचुअली ये पांच प्लेयर्स इस टीम से ड्रॉप हो गए हैं और इनके रिप्लेसमेंट में आए हैं कामरान गुलाम, जिन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मेहरान मुमताज, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, काफी यंग हैं, पोटेंशियल है उनमें, साथ साथ हसीबुल्ला, जो कि एक विकेट कीपर है। ये सारे के सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जिन्हें टीम में लाया गया है। साथ ही साथ मोहम्मद अली, जो कि बांग्लादेश टूर में भी थे, उन्हें वापस बुलाया गया है, और ऑफ स्पिनर साजिद खान, वो भी टीम में वापस आ गए हैं। साथ ही साथ नोमान अली और जाहिद महमूद, नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर और जाहिद महमूद लेग स्पिनर, जिन दोनों ने चैंपियंस कप में बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, उनको भी वापस टीम में बुला लिया गया है। और ये टीम अगले दोनों टेस्ट मैचेस के लिए है, आपको बता दूं, ये टीम सिर्फ इस मैच के लिए नहीं है बल्कि बचे दोनों टेस्ट मैचेस के लिए। इसीलिए यानी कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो उनकी टेस्ट क्रिकेट इतनी नीचे चली गई है, उसकी रिकवरी के लिए उन्हें यंगस्टर्स की जरूरत है, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही डिसीजन है। आपको बता दूं कि इनके अलावा मोहम्मद हुरैरा, जो ऑलरेडी स्क्वाड में थे, उन्हें शायद प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली साइम अयूब की जगह वो टीम में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो पोटेंशियल पाकिस्तान 11 फिलहाल मुझे दिख रहा है, उसमें हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग कर सकते हैं, नंबर 3 पे शान मसूद, 4 पे कामरान गुलाम, 5 पे साउद शकील, 6 पे रिजवान, 7 पे आगा सलमान, और फिर मीर हमजा और मोहम्मद अली आपके दो फास्ट बॉलर हो सकते हैं, और दो स्पिनर्स में मेहरान मुमताज और साथ में साजिद खान और नुमान अली में से कोई एक हो सकता है। मेरे ख्याल से फिटनेस टेस्ट की रिजल्ट्स का कुछ वेट हो रहा है, क्योंकि इन सारे प्लेयर्स की बहुत जल्दबाजी में फिटनेस टेस्ट लिए गए हैं, आपको बता दूं, क्योंकि पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में ज्यादा गैप नहीं था, और ये सिलेक्शन कमेटी की फॉर्मेशन भी पहले टेस्ट मैच के बाद हुई थी, तो इतनी जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजंस जल्दी जल्दी में लेने पड़ गए, और उसी वजह से इन प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट शायद आज शाम तक या कल सुबह आएंगे, जिसके बेसिस पे टीम सिलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको बता दूं कि पहले टेस्ट मैच में भी नुमान अली और जाहिद महमूद अपना फिटनेस टेस्ट फेल कर गए थे, तो फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। आपको बता दूं कि साजिद खान और नुमान अली काफी एक्सपीरियंस, इनफैक्ट वो अपनी रिटायरमेंट एज के आसपास हैं, और नुमान और मेहरान मुमताज एक यंग स्पिनर है, साथ ही साथ जाहिद महमूद भी एक यंग स्पिनर है। जाहिद महमूद इंग्लैंड के खिलाफ 2022 वाले टूर में भी एक आध टेस्ट मैच खेल चुके हैं, हालांकि वहां उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन इन दो सालों में उनका कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ है, करंट फॉर्म भी मैटर करती है, तो हो सकता है कि दो स्पिनर्स में आपको ये दोनों देखने को मिले, क्योंकि ऑफ स्पिनर के नाम पर आगा सलमान ने बॉलिंग करी थी पहले टेस्ट मैच में, तो हो सकता है कि उन्हें ज्यादा यूज किया जाए अगले टेस्ट मैच में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि पीसीबी ने क्लियर कर दिया है कि जो पिच पहले टेस्ट मैच में यूज हुआ था, 5 दिन यूज हो चुका है, थोड़ा रफ हो चुका है, वो सेम पिच सेकेंड टेस्ट मैच में यूज होगा, यानी एक यूज्ड पिच पे मैच खेला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पिच पे स्पिनर्स को मदद मिलनी तय है, और अगर स्पिनर्स को मदद मिलेगी तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी दो स्पिनर्स के साथ उतरेगा और दो फास्ट बॉलर, साथ ही साथ आपके जो सलमान अली आगा है वो भी ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, कामरान गुलाम भी वैसे जरूरत पड़ने पर स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स के ठीक ठाक ऑप्शंस हैं। आमिर जमाल को स्क्वाड में रिटेन किया गया है, लेकिन क्या आमिर जमाल खेलेंगे? तो फिर मोहम्मद अली बाहर बैठेंगे, क्योंकि फिर आमिर जमाल और मीर हमजा हो सकते हैं कि दो फास्ट बॉलर्स आपके खेले। तो ये रही पाकिस्तान की स्क्वाड, में आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये पूरी स्क्वाड है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कैप्टन, आमिर जमाल,
हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, साहिम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद। तो काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन है पीसीबी का, मेरे ख्याल से एक ब्रेव डिसीजन है, सही डिसीजन है, क्योंकि बाबर और शाहीन कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, सिर्फ नाम के बेसिस पे खेल रहे थे और नसीम शाह भी पैसों की डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस कुछ दे नहीं पा रहे। तो अच्छा है कि इनके बिना पाकिस्तान अपनी यंगस्टर्स को ट्राई करेगा और अगर पाकिस्तान को सक्सेस मिल गया तो फिर इन तीनों को कमबैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विच इज गुड, क्योंकि कॉम्पिटिशन होना चाहिए टीम में, तभी टीम्स प्रोग्रेस करती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।